राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को खेलेंगे, मतलब ये होगा क्या? ओह माय गॉड, जय श्री राम का नारा लग जाए इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। अल्लाह अकबर, हम बचपन से सुन रहे हैं भाई। प्रॉब्लम ये है कि बॉस के देखो यार, ये पता नहीं जय श्री राम का मतलब इनको आता भी नहीं है। इनको पता है कि जय श्री राम इज अ ग्रीटिंग, जैसे आप ये सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम जय श्री राम कहते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया है। इंडियन लोगों ने हमारा टीम को बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू, थैंक यू। सब चेन्नई के लोगों ने हमारा सपोर्ट किया था, थैंक यू, थैंक्स। आई लव चेन्नई, इंडिया, अफगानिस्तान भाई, अफगानियों को शर्म से डूम भरना चाहिए। वो क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये मुसलमान है। अच्छा? ये मुसलमान है और भारत के साथ मिलके जय माता के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारा इतना अच्छा मजहब है इस्लाम, आप उसको भूल के जय माता के नारे लगा रहे हो। याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना अफगानिस्तान से, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। अब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान वीडियो बनाए, सेलिब्रेट करे, नाचे कूदे, कुछ भी करे, भाई तेरा क्या काम है? इरफान पठान का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर टीम थी और वो जीत गई, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यानी आप जरा मजाक उड़ाने का लेवल देखें। तुम्हारे साथ हम 40 साल रहे हैं। अरे भाई, क्रिकेट को छोड़ो, तुमने और क्या अफगानिस्तान के साथ किया है? तुमसे बड़े बगैरत दुनिया के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान हमें क्या बड़काएगा? बता रहे हैं, हमने मौलाना से सुना है कि भारत माता की जय कहना जो है मुसलमान के लिए एक हराम अमल है, लेकिन अफगानियों की अगर बात करें तो वहाँ पर शरिया लॉ है, इस्लामी लॉ है, तालिबान की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी जो है अफगान ने नारा लगाया भारत माता की जय, और उन्होंने जो है अपनी मोहब्बत का इजहार किया भारत के साथ। नो डाउट अफगान और इंडिया की दोस्ती आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, लेकिन आप पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछेंगे, जो अफगानी मुसलमानों ने नारा लगाया भारत माता की जय, इसको आप कितना सपोर्ट करेंगे? मैं इसको 0% सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ। ये सरासर गलत है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा? अफगानी अपना मजहब भूल गए हैं क्रिकेट की खातिर। अच्छा? पहली दफा पाकिस्तान से मैच जीते हैं और इस जीत पे इंडिया इनके साथ बहुत ज्यादा खुश हुआ है, इनके साथ सेलिब्रेशन की है, वो अपना मजहब भूल गए हैं और इंडिया के साथ ये माता ये सब नारे लगा रहे हैं। हाँ। जो सरासर गलत, और भाई क्रिकेट अपनी जगह, आपका दीन अपनी जगह। तो भारत मतलब इंडिया और माता मतलब माँ, तो इसमें गैर इस्लामी क्या चीज है? गैर इस्लामी यही चीज है, ये इंडिया की सरजमीन पे खेल रहे हैं और सरासर इंडिया का साथ दे रहे हैं। इंडिया ने इनको पैसा लगाया हुआ है, पैसा बोल रहा है ये, जो ऐसा पैसा कहेगा वैसा ये इंडिया कहेगा, ये भी ऐसे बोलेंगे। अगर हमने भी उन पे पैसा लगाया होता, हमने भी ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी कह रहे होते। पाकिस्तान खुद पैसा ले लेता, किसी को पैसा क्या दे। बिल्कुल यही क्लियर बात है कि सारा पैसा बोल रहा है। हो सकता है उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है। मोहब्बत में अपना दीन तो नहीं ना छोड़ सकता इंसान। देखो, वो पैसों ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो अपना मजहब भूल गए हैं और जय माता ये वो उनके नारे लगाना शुरू कर दिए। तो भारत के मुसलमान भी यही कहते हैं भारत माता की जय, अब उन्हें क्या कहोगे? वो एक डायलॉग है उनका, लेकिन मुसलमान हमेशा उनको मुसलमान ही रहना चाहिए। हाँ। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि अफगानियों को शर्म से डूम भरना चाहिए। वो क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये मुसलमान है। अच्छा? ये मुसलमान है और भारत के साथ मिलकर जय माता के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारा इतना अच्छा मजहब है इस्लाम, आप उसको भूल के जय माता के नारे लगा रहे हो, ये इससे बेशर्मी की बात कौन सी हो सकती है? तो सऊदी अरब भी तो इस्लामी कंट्री है, वो भी भारत से दोस्ती कर रहा है। दोस्ती एक चले वो अच्छी बात है, दोस्ती करे, लेकिन जैसा अफगानियों ने किया वैसा तो नहीं ना करना चाहिए, जय माता के नारे नहीं लगाने चाहिए। आप देखिए, आपने सबको बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने जीत का जश्न क्यों मनाया। भाई, उनके लिए वर्ल्ड कप था और वो जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 8 विकेटों से वो जीते हैं, तो उनकी खुशी पे हम क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे। अच्छा? हम तो हमें खुशी हुई है कि वो हमसे जीते हैं, पहली दफा जीते हैं, लेकिन उनसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा? वो अपनी खुशी में अपना मजहब भूल गए हैं और इंडिया के साथ जैसे इंडिया ने नारे लगाए हैं वैसे ही वो नारे लगाने शुरू कर दिए। आप नाराज हो उनसे? नाराज नहीं है उनसे, अल्लाह भी नाराज है, हम भी नाराज है, अल्लाह भी उनसे नाराज। बहुत बड़ी बात कह दी भाई, अल्लाह भी उनसे नाराज हो गया। भारत माता की जय, रुक, अफगानियों ने नारे लगाए हैं भारत माता की जय, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है, वो सामने शान फरामोश निकले हैं वो। अच्छा? उनपे देखे ना, उनको हमने इधर पनाह दी, इधर कारोबार किए उन्होंने, अपने उन्होंने इधर कारोबार किए इधर उन्होंने, और आपको शायद मालूम हो जो उन्होंने मैच हारे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हमने डेडिकेट किया अपने इंडिया को, कि जो जो यहाँ से दर बदर हुए हैं, तो मेरे ख्याल में गलत किया उन्होंने। लेकिन जो भारत माता की जय के जो उन्होंने नारे लगाए, क्या सोच के नारे लगाए, ऐसा पाकिस्तानी क्या? तो असल में उनकी ना उनका कैसा कोई माइंड वॉश बन चुका हुआ है, वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो हमारे मतलब खिलाफ है। ये मेन स्टार्ट हुआ था, मीडिया भी नहीं कह सकता ये। चले कोई बात, जो बात ईजी है वो कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अफगानियों का ये कहना है कि आपने हमें पाकिस्तान से निकाला, हम आपको वर्ल्ड कप से निकाल देंगे। नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना, वो अभी 4 मैच है, इंशाल्लाह अल्लाह करे, पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखिए, वहाँ पर शरिया है, तालिबान की गवर्नमेंट है, अफगानी सारे मुसलमान है,
उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई भारत माता की जय नहीं कहना ये हराम। मतलब क्या मतलब, मुझे खुद मतलब नहीं। माता मानते हैं ना वो, अपनी धरती को पूजते हैं तो वो उसको कहते हैं कि हमारी माता है और इसकी जय हो। उनको भी इसका मतलब नहीं पता होगा, अफगानियों को इसका मतलब नहीं पता होगा। अगर उनको पता होता तो ये कभी ना ना लगाते इस तरह का। आपको लगता है उन्हें मतलब नहीं पता? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। मुसलमान है, नहीं पता होगा ना, नहीं पता होगा। अब मेरे से कोई पश्तो में कुछ कह दो ये कह दो उसका मतलब कुछ भी हो मैं कह दूंगा, मुझे पता नहीं होगा उसका मतलब का। दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? दोस्ती इस टाइम वो जो है ना वो ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान ज्यादा कमजोर। और जो है बोल रहे हैं कि देखो कैसे वो हिंदुस्तान के लोग जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहे। अब मेरी बात सुनो यार, ये क्या भड़काएंगे हमें, तो हमें पता है कि तुम क्या हो भाई, तुम्हारी औकात तो अफगानिस्तान को पता है, तुम्हारे साथ हम 40 साल रहे हैं। अरे भाई क्रिकेट को छोड़ो, तुमने और क्या अफगानिस्तान के साथ किया है, तुमसे बड़े बेगैरत दुनिया के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान हमें क्या भड़काएगा? और हिंदुस्तान को ये बातें पता कहां से चली ये पहले बताओ, ये तो तुम लोग करते हो ना ये बातें सोशल मीडिया पे, अफगानिस्तान पे अजीब अजीब नाम रखते हो, अब गुस्सा दिया ना अब कैसा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है? जब बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच होता है तो तुम्हारी अम्मा भी नाचती है, आज जब हिंदुस्तान के चैनल्स वाले अफगानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो तुम्हारी आय हाय 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 हाय। तो भाई रोना धोना बंद करो, हारे हो गंदी तरीके से हारे हो, बकरियों की तरह हारे हो, सुअरों की तरह हारे हो, अब रोना धोना बंद करो। अब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान वीडियो बनाए, सेलिब्रेट करे, नाचे कूदे, कुछ भी करे, भाई तेरा क्या काम है? न जान न पहचान आ गया मेरा मेहमान, भाई अफगानिस्तान हमारे भाई है। अरे बाड़ में जाए तू भाई, तेरा भाई पन्ना, तेरे जैसे भिखारी कुलाड़ी के हत्ते को कौन भाई बनाएगा? भाई निकल ले जा भाई, तेरे लिए वही सऊदी अरब दुबई अच्छा है, जहां पे बैठ के झोली फैला के भीख मांगते हो, अरबी अरबी मेरे को आती नहीं है, पता नहीं क्या बोलता हूँ, मतलब भाई जा उधर कटोरा रख के भीख मांग। अफगानिस्तान के लोग तेरे को हड्डी तक नहीं डालेंगे भाई, अफगानिस्तान का नाम लेके अपने बड़े बड़े चैनल्स पे रिएक्शन मत करो। अफगानिस्तान न कभी तुम लोगों का भाई था, न है, न कभी बनेगा भाई, कभी भी हम तुम्हारे भाई नहीं बनेंगे, कभी भी हम पाकिस्तान को अपना भाई नहीं बोलेंगे। अबे पाकिस्तान को हम देश ही नहीं मानते भाई, इन लोगों को इंसान ही नहीं मानते, सिवाय उन लोगों के जो पाकिस्तान में जो हमारे पठान रहते हैं उनके लिए हमारे दिल से रिस्पेक्ट है, वो हमारे भाई हैं, हमारा खून है। और ये बाकी जो रह गए पाकिस्तान के, अरे जाओ रे अपना काम करो रे टुल्लो सालो, भिखारियों दहशतगर्दों आतंकवादियों इधर आके तुम लोग अफगानिस्तान के भाई है भड़का रहे हिंदुस्तान, अरे बाढ़ में जाओ, हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई है दोनों। मैं आज अफगानिस्तानी तुमको जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी शक्लें तुम्हारा मुंह इसके काबिल नहीं है कि तुम हिंदुस्तान अफगानिस्तान का नाम अपने मुंह से लो। अफगानिस्तान जाने हिंदुस्तान जाने, उनके बीच में प्यार चले, लड़ाई हो जाए, पंगा हो जाए, प्लेयर्स आपस में भिड़ जाए या बाद में दोस्ती हो जाए, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बुथनी का दीवाना वो भी अब्दुल्ला पुरम कराची भिखारी कराची साले, पूरी जिंदगी जो है वो ब्रिज पर खड़े होकर भीख मांगते हो, क्रिकेट के टाइम पे आके चैनल पे जो है एंकर बन जाते हो, निकल माँ का पटा पजामा बूतनी के।